อันนี้สุดยอดมาไทยยังมาไทยลูกค้าไม่ไทยอันนี้ตุ้มไม่ได้ปะตะมีบิดีอันที่ชาติแต่ว่าไอ้จันทร์บุญไม่รำลายแก่ अरे उस गांव में अरे वह गांव तो बहुत है गंदा गांव उन जगह है कूड़ा कचरा जाने घर में तो बिल्कुल शादी कर रहे हैं ना वह घर में तो शौचालय तक नहीं है अरे ये क्या कह रही हो तुम मुझे ना पता था कि वहां शौचालय भी नहीं मुझे मेरी बिटिया को नरक में थोड़ी ना भेजना है मैं ना करूंगी अपनी बिटिया की शादी बिल्कुल मत करना भाई अभी आपने देखा जगह जगह गंदगी और शौचालय ना होने की वजह से एक लड़की की शादी टूट जाती है अब सीन टू एक लड़का स्कूल जाने की जल्दबाजी में सड़क को गंदा करते हुए निकल जाता है चलो आज स्कूल के बाद लेट हो गया है बचाने के लिए दूसरे दुकान के सामने कैसे कूड़ा कचरा लगा के चला जाता है करो इसके पहले की बगल ना जाए और एक सोना कचरा उठा के दुकान बगल वाली दुकान के सामने फेंक दो जल्दी जल्दी करो अरे कूड़ा कौन डाल गया यार मैं तो गिर गया पता नहीं ये केले का चिकला कौन फेंक कर चला गया अरे यार कैसे दुकानदार वाले हो तुम अपनी दुकान के सामने सफाई भी नहीं रख सकते अरे यार दूसरे दुकान वाले सुबह जल्दी आ जाते हैं दूसरों की दुकान के सामने कूड़ा डाल देते हैं तो भैया जाकर कूड़ा कूड़ेदान में डाला और जरूरी है कूड़ा बगल वाले के सामने लगाना अरे सुनो तुम हमें ज्ञान न दो जितनी देर में हम ये कूड़ा समेटेंगे उतनी देर में तीन चार कस्टमर निपटा लें चलो निकले यहाँ से भाई कहाँ जा रहे हो हम क्या बताऊँ बेटी की तबीयत खराब हो गई है उसे देखने जा रहा हूँ अरे हाँ यार मैंने उसे बताया था कि यार वो वहाँ पे खराब खाना वहाँ ना खाए जलेबियों में मक्खियाँ उड़ रही हैं समोसे में धूल है लेकिन उसे तो अपनी ही सुननी थी मैंने बताया था यार वो खतरनाक है चलो ठीक है मैं चल रहा हूँ कितने किलो लगे हुए हैं अपनी दिनचर्या के कामों में अरे भैया बांटो यार ताश खेले आज अरे हमारी इक्का तो दो अरे चाचा क्या चल रहा है अरे चाचा देख नहीं रहा ताश खेल रहे हो बैठो खेले अरे ठीक है यार तुम खेलो मैं निकल रहा हूँ अरे खेलो चाचा अरे खेलो यार अरे क्या पढ़ रहे हो अखबार पढ़ रहा हूँ यार देखा नहीं यार नेता जी आने वाले हैं क्या नेता जी आने वाले हैं क्या नेता जी आने वाले हैं चलो 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 नेता जी को देखने चले अब आते हैं नेता जी नमस्कार मित्रों स्वच्छता हमारा दैनिक कर्तव्य है इसके लिए हमें ड्राई और वेट कचरे को अलग अलग रखना चाहिए नेता ये ड्राई और वेट का होता है ड्राई का मतलब होता है सूखा कचरा और वेट का मतलब होता है गीला कचरा जिसे हमें अलग अलग रखना चाहिए अलग अलग कहाँ रखो जाए दादी इसके लिए सरकार ने आपको कूड़ेदान प्रदान किए हैं हरे और नीले रंग के हरे रंग के कूड़ेदान में आपको सूखा कचरा और नीले रंग के कूड़ेदान में आपको गीला कचरा रखना हरे और नीले डब्बे तो टूट गए हैं और शौचालय भी बहुत गंदे हैं सरकार ने आपको कूड़ेदान भी प्रदान किए हैं आपको इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे खुद काम अपने आपको खुद करना है ठीक तो आइए मिलकर शपथ लेते हैं स्वच्छता बनाएंगे प्यारी डोर बनाएंगे स्वच्छता अपनाएंगे स्वच्छता अपनाएंगे जय जय जिंद
आपके नेताजी के जाने के बाद गांव का अगला दिन क्या छोकरी है यार, अब आती है, अब आती है शहर से एक लड़की जो कि अपने गांव घूमने आई है। अबे देख गांव में का छोरी आई है। जब तक मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देंगे तब तक मैं अपने घर का दूसरा काम निपटा लेंगे ना तुझा। तो आप भी बता दीजिए ना। क्या बड़ा परेशान दिखा तो? अरे क्या बताऊँ, मैं अपना गांव घूमने आई थी, पता नहीं यहाँ क्या क्या देखने को मिल गया। अरे बिटिया है का तो रोज का धंधा है, तुम अपने शहर वापस लौट जाने का कुछ नहीं हो वाला है। क्या एक शहर से आई हुई लड़की ही सब बदलाव कर सकती है? जी नहीं, स्वच्छता हमारा मौलिक अधिकार है और उसके लिए हम सभी नागरिक जिम्मेदार हैं। इसलिए आइए एक कदम बढ़ाते हैं स्वच्छता की ओर। स्वच्छता अपनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। स्वच्छता अपना